मैं करवा रही थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो कल हमने किया था वो किया था प्रिंसिपल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। जो हमने कल किया था वो देखिए वो था कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो फिर अल्फा क्या होगा, बता थीटा क्या होगा, एन पाई होगा, जहां पे एन बिलोंग करेगा इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या कहा था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ भी थीटा एन पाई होगा। लास्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या होगा, थीटा टू एन पाई प्लस वन पाई बाय टू। क्लियर, ये बताए थे आपको। नेक्स्ट हमने किया था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस वन की पावर एन इन टू अल्फा। नेक्स्ट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और नेक्स्ट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, तो मैंने बताया था आपको थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, जहां पे सब में एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर, बताया था कि नहीं। अब क्या है क्वेश्चन, इसी तरह के कि इस तरफ जो आपके राइट हैंड साइड में था वो क्या था, जीरो था। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू, रूट थ्री प्लस कॉस थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब इधर क्या हो रहा था कि जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, और कोई भी क्वेश्चन बन रही थी जीरो आ रहा था, देन हम फॉर्मूला बना रहे थे। बट आप देखिए इस तरफ जीरो नहीं तो क्या करेंगे, तो कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप बनाएंगे। क्लियर, तो आज हम वही पढ़ेंगे कि आपको कैसे करना है। हो गया क्लियर इतना। अब देखिए क्या करना क्या है, थोड़ा सा रूल समझना है कि क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी क्या बिलोंग करे, रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए बी सी रियल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन जो भी आएगा आपको इस फॉर्म में करना है, इस तरफ जीरो नहीं है, जब जीरो मतलब सी की जगह कुछ भी कॉन्स्टेंट नंबर हो सकता है। देन उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ए कॉस अल्फा पुट करना है और बी साइन अल्फा पुट करना है। देन आप देखिए ए स्टेप एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, आर बी सॉरी आर कॉस अल्फा, दूसरा आर साइन अल्फा। तो अगर फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे और स्क्वेयर करेंगे देन ऐड करेंगे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे दोनों का, कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, तो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा कितना होता है, थीटा, कितना मतलब अल्फा की जगह थीटा है तो कितना होगा, वन होगा। तो सिंपल आर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एक ये याद रखना है, एक ये भी याद रखना है। एंड देन अगर फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, मुझे टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आर साइन अल्फा आर साइन कॉस अल्फा, कट गया आर से आर, क्या बनेगा टेंजेंट अल्फा, तो यहां से अल्फा निकलेगा आपका, अल्फा होगा एंगल, वो बता दूंगी। एक आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये वाला और ये वाला याद रखना है। क्लियर, अगर ये आपने ये याद रखा तो वैल्यूज आपके अपने आप निकल जाएंगी। अब देखिए बाकी प्रीवियस जो आपकी नॉलेज है जितना भी मैंने करवाया वो लगेगा। ये ठीक है इसी फॉर्म में, पहले कहा कि इस फॉर्म में करना है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। ओके, ए क्या है रूट थ्री, बी क्या है वन, और सी क्या है रूट टू। आर कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, रूट थ्री का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, फोर, फोर का अंडर रूट कितना हुआ टू, इतना क्लियर। अब ये अब देखिए आपको ए और बी की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में। तो गिवन इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, हमारे इसको फर्स्ट इक्वेशन में वो फर्स्ट मान लिया मैंने, रूट थ्री क्या है, रूट थ्री मतलब ए, तो ए क्या है, क्या बोला मैंने आर कॉस अल्फा। अब वन साइन थीटा की जगह कॉस थीटा हम पूछनी है, तो वन वो क्या था बी, तो बी क्या बोला आर साइन अल्फा। पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में डालिए तो क्या डालेंगे, आर कॉस अल्फा रूट थ्री की जगह आर कॉस अल्फा, इसकी जगह कॉस थीटा, प्लस वन की जगह आर साइन अल्फा,
नेक्स्ट साइन थीटा आगे क्या है इक्वल टू रूट टू। अब अगर दिख रहा है तो फॉर्मूला कॉमन कॉमन आर कॉमन लीजिए तो क्या कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस जब ऐड करता था तो साइन को इग्नोर करता था लेकिन यहां इग्नोर नहीं कर रहा तो कॉस ए प्लस बी नहीं होगा तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी। प्लीज ये याद रखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन ए बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू रूट टू। अब देखिए ये अल्फा क्या है ये अल्फा निकलेगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा निकालिए अल्फा टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी अपॉन ए बी क्या है वन ए क्या है रूट थ्री। अब बताइए टेंजेंट वन बाय रूट थ्री क्या होता है टेंजेंट थर्टी डिग्री तो टेंजेंट थर्टी डिग्री कितना होता है पाई बाय सिक्स याद रखना है प्लीज टेंजेंट थर्टी डिग्री होता है तो टेंजेंट थर्टी डिग्री क्या होता है पाई बाय सिक्स पाई बाय सिक्स ये कट गया अल्फा कितना है पाई बाय सिक्स तो जो ये वाला अल्फा है वो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी बाय ए से निकलेगा तो आर कितना था आपका आर था आपका टू तो कितना है कॉस थीटा माइनस अल्फा क्लियर इक्वल टू अल्फा डाल दीजिए पाई बाय सिक्स क्लियर और रूट टू। अब देखिए क्या बना वैल्यू ठीक है कॉस थीटा और उस तरफ कुछ और चाहिए वैल्यूज तो क्या आएगा ये मिटा दीजिए फिलहाल। अब देखिए ये ठीक है कॉस थीटा माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन टू तो आप कर सकते हैं रैशनलाइज यस इससे रूट टू से रैशनलाइज कीजिए तो टू बाय रूट टू क्योंकि क्यों किया मैंने सर क्योंकि रूट टू बाय टू किस कोई भी वैल्यू नहीं होती कॉस की। अब लेकिन जब मैंने रैशनलाइज किया तो क्या है वन बाय रूट टू तो वन बाय रूट कितना होता है कॉस 45 डिग्री तो कितना होगा कॉस 45 क्या होता है मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नहीं आता तो पिछले वाले वीडियोस देखिए वीडियो मैंने सारा बताया हुआ पूरा का पूरा। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बना कॉस अल्फा इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बना कि नहीं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा तो क्या होगा थीटा पे आपका थीटा होगा आपका टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा थीटा फिलहाल क्या है यहाँ पे ये वाली चीज थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा ये वाला है ये वाला अल्फा नहीं यहाँ पे जो भी है कॉस पाई बाय फोर क्लियर। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स इधर लेके आई एलसीएम कर दीजिए टू एन पाई प्लस माइनस पता ही एलसीएम कितना है 12 इसको करेंगे 3 से इसको करेंगे 2 से तो कितना है 5 पाई बाय 12। अब दो वैल्यू आएगी एक आएगी प्लस में और ये किस में आएगी माइनस में जब मैंने प्लस किया यहाँ पे तो 5 पाई बाय प्लस आया देखिए अगर प्लस लगाऊंगी तो 3 पाई प्लस 2 पाई तब तो 5 पाई आया लेकिन अगर माइनस लगाऊंगी माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई तो कितना हुआ माइनस पाई अपॉन 12 ये दो वैल्यूज आई ये है आपकी इक्वेशन ये वाले ना सिंपल सोल्यूशन क्लियर हुआ इतना प्लीज एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं रूट टू सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा रूट टू सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वन। अब ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में है नहीं है क्या करना है करना पड़ेगा तो देखिए रूट टू वन बाय कॉस होता है ये अब फटाफट पता होना चाहिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ये इक्वल टू वन रूट टू एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा को आप दूसरी तरफ चला जाएगा ये सब पता है कैलकुलेशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू बन गई इक्वेशन। ए क्या है ए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इक्वल टू सी ए वन है बी क्या है वन और माइनस वन मत लीजिए बाद में ले लूंगी इसी में माइनस सी कितना है रूट टू आर कितना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर कितना है रूट टू सिंपल क्या कहा मैंने
ए वन है आर कॉस अल्फा और बी वन है आर साइन अल्फा। पुट करिए ये सारा किसमें, गिवन इक्वेशन में। गिवन इक्वेशन तो सिकेंड और टेंजेंट में है जो मैंने प्रॉपर सिंप्लीफाई किए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा में। अब देखिए कॉस थीटा कितना हुआ, आर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे वन है उसकी जगह डाला, वन इज इक्वल टू आर कॉस। अब यहाँ भी वन है तो माइनस एज इट इज रह लीजिए, वन की जगह क्या डालोगे, आर साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू रूट टू। अब आर कॉमन दीजिए, आर कॉमन दीजिए और आर की वैल्यू कितनी है, रूट टू। क्लियर, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बताया था, कॉस को ऐड करने के लिए साइन को इग्नोर करना पड़ेगा, तो कॉस ए प्लस बी। क्लियर, ए प्लस बी होता है इक्वल टू इस तरफ क्या बचा, वन। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा मैंने बताया था कि टेन बी बाय ए इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, तो बी कितना है, वन, ए वन बाय वन इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा कितना हो, 45 डिग्री, तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय फोर कैंसिल, पाई बाय फोर कितना हुआ, आ गया अल्फा। कॉस उधर लिख लेती हूँ, कॉस थीटा प्लस पाई बाय फोर ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू वन, और ये भी बाय चांस कितना होता है, वन ही होता है। अब कितना, अब देखिए आ गया वेरी इजी, अब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस पाई बाय फोर, लेकिन कॉस वन कब होता है, मतलब कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस वन, तो वो लिख दीजिए। क्या बना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है कि नहीं, तो डालिए वैल्यू, थीटा क्या है, थीटा प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ये वाला जीरो। क्लियर, तो कितना आ गया आपका, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई, जीरो तो कुछ नहीं है, ये दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस पाई बाय फोर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ, नहीं समझ आता तो बार बार देखिए, बाकी बहुत इजी है, आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए एक और करते हैं लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू रूट थ्री, अब है उस फॉर्म में ये साइन थीटा नहीं है तो क्या करेंगे आप, ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सिमिलरली साइन क्या होता है, वन बाय कोसेक क्या होता है, वन बाय साइन रूट थ्री। क्लियर, आप देखिए एज्यूम लीजिए कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू रूट थ्री साइन थीटा। क्लियर, अब बनाइए कैसे बनाएंगे, इसको उस तरफ ले जाना पड़ेगा, रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वन, इट मीन्स ए ये बन गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू वन, बी इक्वेशन बन गई। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू रूट थ्री, सी इज इक्वल टू वन, वर्क क्लियर, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो कितना आ गया फोर, मतलब टू। क्लियर, अब आर इज इक्वल ए इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, बी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, माइनस आर कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस रूट थ्री की जगह क्या डालेंगे, आर साइन अल्फा साइन थीटा इक्वल टू वन। क्लियर हुआ, ये ए वन है तो वन की जगह यहाँ पे माइनस वन, जो वन है वन की जगह कितना डाला, कॉस थीटा आर कॉस अल्फा, अब ये रूट थ्री है बी, तो रूट थ्री की जगह आर साइन अल्फा डाल दीजिए। अब बताइए आर कॉमन ले लीजिए, माइनस आर ही लीजिए कॉमन, तो आर कितना है टू, यहाँ बचा कॉस अल्फा कॉस थीटा, माइनस किया तो अंदर माइनस बच गया,
अब बताइए cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos को ऐड करने के लिए साइन को इग्नोर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा cos a प्लस बी इक्वल टू वन। अब अल्फा क्या है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। बी कितना है, बी है आपका रूट थ्री, ए कितना है वन, नेगेटिव मत लीजिए तो कितना, क्योंकि ए आपका यहाँ पे मैंने माइनस लगाया हुआ है तो नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना आपका टेंजेंट अल्फा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन वन। आप बताइए रूट थ्री क्या होता है, वन बाय रूट थ्री होता है थर्टी डिग्री, वन रूट थ्री कितना होगा सिक्सटी डिग्री, तो सिक्सटी डिग्री मतलब पाई बाय थ्री। क्लियर, तो माइन मतलब आपका कॉस पाई बाय थ्री आ गया इक्वल टू वन। ये समझे आप टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री क्या होता है आपका सिक्सटी डिग्री होता है। अब वन बाय टू उस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा कॉस थीटा प्लस पाई बाय थ्री माइनस वन बाय टू। अब हो गया जी नेगेटिव, तो कॉस कहां नेगेटिव होता है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो सिखाया अब वो अप्लाई होगा। कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव कोई भी ले लीजिए। मैंने क्या कहा था कि पाई और टू पाई वाला सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, तो पाई इधर पाई माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस वन बाय टू, तो पता ही आपको क्या होता है वन बाय टू मतलब कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी मतलब पाई बाय थ्री, तो मतलब कितना करना पड़ेगा माइनस ताकि नेगेटिव आ जाए, तो पाई माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस पाई बाय थ्री और माइनस वन बाय टू कब आएगा कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री, पाई माइनस पाई बाय थ्री, या पाई बाय थ्री क्यों लिखा क्योंकि वन बाय टू कितना होता है पाई बाय थ्री होता है। क्लियर, तो हो गया ये कॉस थीटा पाई बाय थ्री कॉस टू पाई बाय थ्री, तो क्या है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब पुट कर दीजिए, अब देखिए लास्ट है यहाँ पे तो कितना आ जाएगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा टू पाई बाय थ्री। डाल दीजिए थीटा की वैल्यू, थीटा को एक तरफ रखिए बाकी प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये टू पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री। अब दो कंडीशन है, एक बार प्लस करना एक बार क्या करना है माइनस करना है, तो देखिए थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लूंगी, अगर आप प्लस करेंगे प्लस टू माइनस वन कितना हो गया प्लस पाई बाय थ्री। क्लियर, दूसरा माइनस करेंगे माइनस टू माइनस थ्री, माइनस थ्री पाई अपॉन थ्री तो कितना आया पाई। क्लियर, माइनस टू माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस पाई माइनस थ्री पाई आया, थ्री पाई से थ्री पाई कट मतलब थ्री से थ्री कट हो गया। अब देखिए ये तो ठीक है ये तो करेक्ट है बट ये ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप पाई कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है टू एन माइनस वन डॉट पाई, तो ऐसा तो कॉस की कंडीशन नहीं होती, ये तो तब होती है जब साइन थीटा क्या होता है जीरो होता है, यहाँ क्या होना चाहिए पाई बाय टू होना चाहिए, बताया मैंने पहले वीडियोस में। क्लियर, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, क्यों, क्योंकि ये तब होता है जब साइन थीटा क्या होता है जीरो होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपका आंसर क्या है ये आएगा। क्लियर हुआ, ये नहीं वैल्यू होगी क्योंकि ये पाई आ रहा है इंटीजर एल इंटीजर है, आप कुछ भी डाल दीजिए जीरो से स्टार्ट कर दीजिए, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा माइनस पाई आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो इफ टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। क्लियर हुआ, तो ये थे तीन क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। क्लियर, नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं फिर से बता दूंगी। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।